का दाल चावल लाए। दाल चावल 5 स्टार से क्या है यार, 750 रुपए के दाल चावल में, और उसके साथ हमने लाए 100 रुपए का दाल चावल और 200 रुपए का दाल चावल। तो चलिए देखते कि 5 स्टार में और 100-200 में क्या फर्क है। आपने कितने तक का खाया दाल? मैंने खाया 200-250 तक के खाया मैंने। तो मैंने भी उतना ही रेंज में मिल जाता, लेकिन 750 में देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे 100 रुपए वाला दाल चावल। तो ये रहे हमारे चावल, काफी दिए। हाँ, और ये हमारी दाल, क्वांटिटी काफी सारी है ना राइस की। बहुत सारा दिए, बहुत गर्म भी है, स्टीम आ रहा है बाहर। और इनकी दाल इस तरीके से कुछ है, फ्राइड लगता है, पतली है। लेकिन 100 रुपए में तुमको बहुत देंगे नहीं? हाँ वो भी बात है, अच्छी दिख रही लेकिन। हाँ तो बाद में देखते हैं इसको। तो अब देखते हैं हमारा 200 रुपए वाला दाल चावल, अच्छा खासा बॉक्स है, और एक अचार भी दिए छोटा सा। हम इसको निकाल लेते हैं। दाल चावल बोल के खिचड़ी तो नहीं थमा दी इन्होंने? नीचे देखो, नीचे शायद से चावल होगा, ऊपर ऊपर दाल डाली होंगी। तो देखते हैं इसके अंदर चावल है या फिर खिचड़ी भेज दी इन्होंने। नहीं, इधर चावल है। चलो, ये बासमती राइस आया थी। वाओ, बहुत गर्म है। हाँ, और 200 के हिसाब से वर्थ इट है ना। लेकिन दाल और चावल अलग अलग देना था यार। अब बारी हमारे 750 रुपए के दाल चावल की, देखते इसमें क्या क्या है। पापड़, अरे वाह, और स्टीम राइस, ओनियन एंड लेमन, घर की दाल। तो इतना कुछ दिया है इन्होंने। भूषण ने सही बोले, यहाँ पे 3 पापड़ है, 1, 2 और 3, और ये घर की दाल। वाओ, कितना सही ना। हाँ, और ये हमारा राइस, बासमती राइस एकदम खुला खुला है। हाँ चलो सही है, जैसा हमको पसंद है, दिखने में सही लग रहा है। तो अब इसको झूठा नहीं करते, इधर ले लेते हो थोड़ा सा राइस, और ये ले लेते दाल, थोड़ी पतली है लेकिन अच्छी है, लग अच्छी रही है ना। 100 रुपए तड़का वड़का दिया शायद से। हाँ, तो इसको टेस्ट करते हैं अभी। पूरा खाने के बाद रिव्यू नहीं, पहले बताओ कैसी है? थोड़ा दाल थोड़ी पानी पानी है, लेकिन बहुत टेस्टी लग रही है। तीखी भी है, मतलब दाल तड़का बहुत टेस्टी लग रही है। तो अब देखते हैं हमारे 200 रुपए वाली दाल चावल की बारी। तो इसको ले लेते हैं। ये भी काफी टेस्टी लग रहा है ना। हाँ, लग तो काफी टेस्टी रहा है। अब इसको देखते हैं ना कैसे लग रही है एक्चुअली। ये दाल तो पूरा बेसन ही बन गया। बहुत ज्यादा अच्छा रहता है खाने के लिए। ये दाल चावल लग ही नहीं रहे, खिचड़ी लग रही है क्या? खिचड़ी भी नहीं लग रही है। क्या लग रहा है? तीखा तीखा सा, मतलब सॉल्ट कम है, क्या पता। ये जैसे अब लोग खाते हैं दाल चावल तो कितना लजीज वाला टेस्ट आता है ना, वैसा नहीं आ रहा है। वैसा नहीं आ रहा इसमें, मतलब उतनी टेस्टी नहीं है, एवरेज एकदम, लग ही नहीं रहा एक्चुअली ये दाल चावल खा रहे। तो अब आ रही है हमारे, जिसका मुझे एकदम बेसब्री से इंतजार था, जो दाल भी बहुत डिलीशियस दिख रही है। लेकिन वो मत भूलिए कि वो बहुत ज्यादा महंगी 750 की है। तो खाओ तो पहले। तो दाल दिखने में तो काफी लजीज लग रही है। गाड़ी गाड़ी भी है ना? हाँ, गाड़ी भी है और अच्छी है। लो यार, जल्दी मेरे को भूख लग गई अभी। घी में बनाई है ये दाल, बहुत सही। क्या घर की दाल बोला ना, जैसे लिखा था वैसी लग रही है घर की दाल। बहुत अच्छा फ्राइड और घी डाला है इसमें, बहुत सही लग रही है। लेकिन बजट के हिसाब से बताओ क्या टेस्टी और कम पैसों में जो चाहिए वो है हमारी 100 रुपए वाली दाल राइस।